हेलो माय स्टूडेंट, मैथमेटिक्स की क्लास चैप्टर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन और फॉर जेईई मेन 2023-24 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज एआई ट्रिपल ई में 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये जेईई मेन का तीसरा क्वेश्चन है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का। और वैसे हम जेईई एडवांस का भी लगभग 14 क्वेश्चन कराए हुए हैं, उसको भी आपको पढ़ते रहिए, बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बिना सोल्यूशन देखे। ओके, ट्राई कीजिए अपने। ठीक है, देखिए कैसे इसको सोचना है, इनसाइड में सोचिए। तो यहां पर है टेन इनवर्स, तो इसको भी टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्वेश्चंस लिखते हैं पहले, कॉट कॉसेक इनवर्स 5/3 प्लस टेन इनवर्स 2/3। इसको वैसे ही छोड़ दे रहे हैं, कॉट इसको चेंज करेंगे। तो ये वाला है हाइपोटेनियस और ये है परपेंडिकुलर, और यहां टेन है तो इसको भी हम टेन में लाएंगे। तो जब भी टेन में आएगा तो पी बाई बी, तो पी क्या होगा, जब ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है तो यही वाला पी यहां पर रह जाएगा। अब बी कौन होगा, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है कॉसेक थीटा के लिए। तो जब ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है तो बेस निकल जाएगा पाइथागोरस से कि 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो कितना होगा, ये ऐसे छोड़ देंगे इसको, टेन इनवर्स 2/3 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 टेन इनवर्स 2/3। फिर टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई का फॉर्मूला मालूम है, लिख देंगे आप टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये किसके इक्वल होता है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो उसका यूज करेंगे यहां पर, तो ये स्टेप हो जाएगा कॉट टेन इनवर्स ए प्लस बी 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कॉट टेन इनवर्स 4 और 3 का एलसीएम आ गया 12 लिख देंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा एलसीएम में 12, काटने का जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और ए से 12 है तो यहाँ आ जाएगा 12 माइनस 6, तो 12 माइनस 6। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो इसके बाद का स्टेप हो जाएगा कॉट टेन इनवर्स, फिर ये हो गया 27/12 और होल डिवाइडेड बाय 6/12। अब यहाँ देखा जाए तो देखा जाए कि कहीं पर कुछ मिस्टेक सुस्टेक तो नहीं है, तो है यहाँ पर देखिए, यही सब मिस्टेक होता है क्योंकि ऑप्शन नहीं मिल रहा है 9 और 8,
लिखा गया है 18, ये देखिए 18 लिखा है हुआ, तो ये होगा 8, और जब ये 8 होगा तो ये आ जाएगा 17, क्योंकि ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तभी समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन 17 दिख रहा है ना, वहां आ रहा था उल्टा सीधा। तो अब देखिए 12 तो कैंसिल हो गया, तो आ गया cot tan inverse, और ये 12 कैंसिल हो गया तो 17/6। फिर अब इसमें है कि tan inverse है, ये एंगल है, इसको चेंज किया जा सकता है, और यहाँ cot है, तो अगर यहाँ cot आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये कैसे होगा, तो tan inverse ये x है, तो tan इनवर्स x को हम cot में लाएंगे तो आएगा cot इनवर्स 1/x, ये कंसेप्ट है, यहाँ बैठेगा तो आ गया cot, ये हो गया cot इनवर्स, इसका उल्टा हो जाएगा 6/17। फिर यहाँ एक कंसेप्ट है कि cot cot इनवर्स 6/17 है, सॉरी x है, तो ये आंसर होता है x, तो यहाँ पर यही x का काम कर रहा है 6/17। अब देखेंगे कहाँ पर है 6/17, इसमें नहीं, इसमें नहीं, b में है, तो लिख सकते हैं आंसर हो गया b। तो इसीलिए ये साथ में प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड बढ़ जाएगा, और 21 साल का जेई मेन का क्वेश्चन बनाइए, माने जेई मेन 21 ईयर्स का, और जेई एडवांस का अगर बनाना है वो भी बनाना है आपको, जेई एडवांस का 45 ईयर्स का, बस इसका प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस, अब उसी में कॉन्सेप्ट सीखते रहिए 2-in-1, ये नहीं कि 2 साल तक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके बाद परीक्षा देंगे, पता चला कि 45 साल में एक साल का भी प्रैक्टिस नहीं करके गए हैं, 21 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं बना कर गया, तो कहाँ से पास कीजिएगा। इसलिए थोड़ा पढ़ने का तरीका को बदलिए, कैसा कि लगातार प्रैक्टिस करना है और उसी में कॉन्सेप्ट सीखना है, तो एक नया स्टाइल हो गया पढ़ने का, जिसका नाम है एप्लीकेशन विथ कॉन्सेप्ट, मैंने फोकस कर रहे हैं एप्लीकेशन पर और कॉन्सेप्ट साथ में मिल रहा है, और आने वाले सीरीज में बहुत जल्द ही आप लोग को मिलेगा जिसमें खाली कॉन्सेप्चुअल सीरीज भी रहेगा, और उसमें पूरा लेवल लाएंगे, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7। लेवल 7 क्या हो गया, तो बहुत हाई लेवल हो गया, वो सीधा समझिए MSc PhD वाला। लेवल 6 कौन हो गया, BSc ऑनर्स लेवल वाला। लेवल 5 कौन हो गया, JEE एडवांस वाला। 4 कौन हो गया, JEE मेन वाला। 3 कौन हो गया, एलिमेंट टूल वाला। 2 कौन हो गया, तो 8, 9, 10 में आपने क्या पढ़ा है वो बेसिक। 1 क्या है, क्लास 7 और उससे नीचे क्या। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, एक दिन आएगा कि हम लोग सफल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, सभी चीज़ का, इसी बिना क्लासेस में सारे आपके कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।